हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टास्क सपोर्ट में। आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में। जैसे घर को चलाने के लिए माँ होती है, वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए मदरबोर्ड होता है, इसलिए इसे मदरबोर्ड कहा जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए मस्तिष्क होता है, वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रोसेसर होता है। आज हम जानेंगे प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर मदरबोर्ड पर लगा हुआ वो अहम हिस्सा है जिससे पूरा कंप्यूटर कंट्रोल किया जाता है। प्रोसेसर को हम CPU भी कहते हैं। प्रोसेसर एक प्रकार की चिप होती है जो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्ट डिवाइस में लगी होती है और ये सभी गैजेट का प्रमुख अंग होती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच होने वाली गतिविधियों को समझता है, तब जाकर कंप्यूटर हमारे द्वारा दी गई कमांड को समझता है और उस पर कार्य कर पाता है। कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU के भाग हैं। कंट्रोल यूनिट ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। जैसे आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते तो आपको रोक लिया जाता है, उसी प्रकार कंट्रोल यूनिट काम करता है। का मुख्य कार्य CPU के अन्य सभी भागों के बीच डेटा और इंस्ट्रक्शन के फ्लो को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल कंपैरिजन करने के लिए जिम्मेदार होता है। डेटा और इंस्ट्रक्शन मेमोरी के इनपुट एरिया से ALU को भेजे जाते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है और रिजल्ट फिर से मेमोरी में वापस से भेज दिए जाते हैं। CPU अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं और न्यूमेरिक रिजल्ट देता है। लॉजिकल कंपैरिजन का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स आता है और कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर द्वारा किए जाते हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का यूज़ करके की जाती हैं। प्रोसेसर का मात्रक गीगाहर्ट होता है, यानी इस तरह पेट्रोल को लीटर, दूरी को मीटर, नमक को किलोग्राम, बिजली को वॉट में नापा जाता है, उसी प्रकार से प्रोसेसर को गीगाहर्ट में मापा जाता है। जितना ज़्यादा कोर का प्रोसेसर होगा उसकी क्षमता भी उतने ज़्यादा गीगाहर्ट की होगी और वह उतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जैसे उदाहरण के लिए 4 GHz की क्लॉक साइकिल वाला CPU 1 सेकंड में 4 बिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए जब भी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल खरीदने जाएं तो प्रोसेसर को ध्यान में रखते हुए खरीदें। कोर कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला ड्यूल कोर प्रोसेसर मतलब 2 कोर, दूसरा क्वाड कोर प्रोसेसर मतलब 4 कोर, तीसरा हेक्सा कोर प्रोसेसर मतलब 6 कोर, चौथा ऑक्टा कोर प्रोसेसर मतलब 8 कोर, पांचवा डेका कोर प्रोसेसर मतलब 10 कोर। प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां इंटेल, AMD, क्वालकॉम, IBM, नवेडा, सैमसंग, मोटरोला, HP, इनमें इंटेल और AMD की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।